अरे वाह, अच्छा काम किया भाई। दिखा दिखा दिखा, कहाँ से लाए? फार्म से लाए। वेलकम बैक। और दोस्तों, हमारे जो घास वाले अंकल हैं, जो चाचा हैं, वही वो दो दिन से छुट्टी पर गए हैं, क्योंकि यार हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश होने की वजह से यार अंकल ने दो दिन छुट्टी निकाल ली और अभी कल से घास देंगे ऐसा मुझे बोले थे। तो ठीक है यार, आज तो हमें हमारे भाई ने एडजस्ट कर दी, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, तो चलो अभी मैं है हमारे गिनी पिग्स को देता हूँ। बड़े शौक से खाते हैं यार गिनी पिग्स से घास। चल सुनो, ब्लैकी कहाँ गई भाई? ये बाकी ना गिनी पिग्स देता हूँ, ये गिनी पिग्स बहुत अच्छा लगता है भाई ये वाला घास। चल गिनी, आ जाओ। जो घास है ना दोस्तों, ये कल आया था जो कि अभी सूख गया है। ये कुछ काम का नहीं, बट हमारे गिनी पिग्स के लिए बिस्तर का काम करेगा भाई ये। वैसे ये इस पर बैठेंगे तो देखो यार कितने ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। देखो इनको घास बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना भाई ये वाइल्ड मतलब जंगली घास होती है, ये ना ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती है ना भाई, खेत बीत में मिलती है। तो भाई भाई लेके आया, बहुत अच्छा काम किया यार। नो और ब्लैकी को यहीं पे डाल देते, यहीं पे खा लेंगे। ब्लैकी को देखा क्या? ये देखो भाई, ये ब्लैकी ना, चल इसको घास देके, कब की थका रही थी। दोस्तों आज हमें जाना है एक्वेरियम शॉप में, क्योंकि हमें हमारे फ्लोरों के लिए टैंक सेटअप करना है। टैंक सेटअप बोले तो भाई इसका वो भी फ्लोर कहाँ गया? हाँ अच्छा, ये कोने में। तो ये इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा यार, हेड वगैरह भाई सब आ गया और आपने अभी तक उनका सेटअप नहीं किया। तो भाई इसी की वजह से मैं अभी जा रहा हूँ पेट शॉप, और इसके लिए हम उसके जो एसेसरीज वगैरह होते हैं हम सारे के सारे लेके आते। तो ये वाले टैंक में हमने एक कल स्नेक हेड छोड़ा था, ठीक है, मतलब मैंने मार्केट से जाकर वो लेके आया था, बट भाई वो इतना ज़्यादा डैमेज था ना, डैमेज होने की वजह से यार वो नहीं रह सका। मैंने सुबह ही उसको देखा तो भाई उसकी मतलब आखिरी सांसें चल रही थी। तो भाई मैंने सोचा कि यार इसको अभी क्या करूँ, बड़े पॉन्ड में छोड़ू बड़े पॉन्ड में, तो मैंने टब में भी छोड़ा उसको, और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो यार मैंने उसको वहाँ पर छोड़ा, बट वो नहीं यार नहीं जी सका यार। तो भाई उसकी डेथ हो गई यार। उसको जो पकड़ जैसे पकड़ा था ना भाई, मतलब जाली में वगैरह पकड़ा होगा, तो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा इधर के साइड में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, तो इसी की वजह से यार वो नहीं बच सका, तो मैंने वो दे दिया। अभी हमें क्या करना है, उसी यहाँ पे हमने स्नेक हेड रखा था, तो भाई वो अभी तो नहीं रहा, तो यहाँ पे हमें हमारे जो वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें आज क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आज हमें हमारे फ्लोरन टैंक सेटअप पूरा कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ पे हमारे दोनों पोलर पैरेट के जो पेयर है भाई अभी फुल्ली ब्रीडिंग पे आ गए। देखो एग्रेसिव भी हो चुके, और देखो फीमेल देखो कितनी बड़ी 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 हो गई है, और ये वाली भी फीमेल ऐसे ना बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं इसी की वजह से अभी जा रहा हूँ एक्वेरियम शॉप, और इस ये जो एसेसरीज वगैरह होते हैं मतलब देखते हैं क्या क्या होता है ब्रीडिंग के लिए, कुछ नया आया होगा तो हम वो भी लेके आएंगे। तो चलो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ सीधा एक्वेरियम शॉप में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पेट शॉप, और इसको बांध पहले। देखो भाई इसकी साइज, ये काफी सारे भाई कह रहे थे आपने जो हस्की लाया भाई उसका अपडेट दो, दिखा ना भाई इसको, चल चल ये देखो भाई। तो ये बुल डॉग आ गया भाई, इसको इसको पकड़ भाई, इसको पकड़ दे। ओए चल सिकंदर, चल सिकंदर, चल सिकंदर बैठ जा, बैठ जा बैठ जा, खाली बस। ए वाह, ए तिकड़े कर दे सिकंदर, सिकंदर खाली बस, सिकंदर खाली बस, खाली बस, ए खाली बस, हाँ सेकंड है अभी उसको कर यार। दोस्तों ये वाली है भाई वो साइज हमें लेके जानी है, ये देखो भाई ये हम फ्लोरन में रखेंगे, ये वाली वाइट है, और ये वाली है ब्लैक वाली, जो कि ये भी हम लेके जाने वाले हैं। और ये किस टैंक में रखेंगे भाई, ये आपको मैं टैंक जब सेटअप करूँगा तब बताऊँगा। ये जो सैंड है ना सरप्राइज रहने वाला है अपना, ठीक है।
आज हम है ना सिर्फ व्हाइट वाली सैंड लेके जाएंगे, क्योंकि ना ये ना यार बैठ नहीं रही यार, बहुत ज़्यादा भारी है, तो व्हाइट सैंड आज हम लेके जाएंगे। और बाकी डेकोरेशन के लिए तो कोई आइटम तो नहीं दिख रहा यार, बाकी जो फिश है भाई ये भी हम लेके जाने वाले हैं, बट अभी नहीं, अभी हम सैंड लेके जाते, चल भाई उठा और लेके जाते चल। ये इसके लिए क्या लियो के? तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ हमारे पोलर पैरेट के लिए मिट्टी का बर्तन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पोलर पैरेट सिर्फ में अंडे अच्छे देंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा था तो मैंने ये दोनों मटके ले लिए, इसमें अच्छे ब्रीड भी करेंगे और अच्छे ये उनके लिए अच्छा घर का काम भी करेगा। तो ठीक है, मिलता हूँ घर पे। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी भारी आ रहे, तो ये मैं लेके आया। क्या पूछ रहा था अभी तू? क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें हमारा फ्लोरम का सारा टैंक का जो वाटर है सारा का सारा अभी खाली करना है, और फिर हमें सेटअप स्टार्ट करना है। और वो मटके कहाँ गए भाई? मटके तो ये जो है ना भाई, ये हमारे पोलर पैरेट्स के इसमें जाने वाले परफेक्ट है ना यार, इनको पहले ना पानी में डाल देते यार, ठीक है ना, पकड़ फेरे पानी में डाल दे, अच्छे से भिगो ले इनको, ये सिट्टी ना सब निकल जाएगी। ये देखो भाई उनको कलर भी यार, अच्छे से धो भी ले उनको। किचन का बटन बंद कर दो पहले, वो वाला सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, हाँ वो वाला, ओके। ना दोस्तों मैं फ्लोरों को पकड़ लेता हूँ। ओए भाई आजा भाई, ओए भाई आजा आजा आजा, इसको ना ज़्यादा पकड़ने की आदत नहीं है भाई, मैं इसको कभी पकड़ता नहीं हूँ, तो इसको ना मैं शार्क के टैंक में डाल देता हूँ, यहीं पे रह गए अभी थोड़ी देर के लिए। तो इसमें और दो स्नेल भी है यार, मैंने इसमें शकर फिश डाला था बट वो मुझे नहीं मिला भाई फिर से, तो मैंने समझ लिया भाई फ्लोरम के साथ कोई फिश नहीं रह सकती, क्योंकि हमारा फ्लोरम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, वो शकर फिश को ना खा गया होगा भाई। टैंक का जो वाटर है दोस्तों वो भी खाली हो गया, और तू अभी क्या कर, तू ये वाली वाइट सैंड है ना ये पूरी साफ कर ले, पानी से अच्छे से धो ले, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना पाउडर होती है यार, फ्लोरम को दिक्कत हो सकती है, तो तू अच्छे से धो ले इसको और मैं टैंक को धोता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई ये सारे के सारे क्षार हमें निकलने हैं। तो दोस्तों हमारा जो फ्लोरम का जो टैंक है ना भाई पूरा क्लीन हो गया, बड़ी मेहनत लग जाती है यार इसको टैंक क्लीन करने में। एक मिनट ये देख, यहाँ से कितना प्लेन दिखता है, पूरा प्लेन, सारा का सारा भी क्षार लटके थे भाई हमारे पानी में ना, बहुत ज़्यादा क्षार यार, तो इसकी वजह से ना टैंक बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और भाई तेरा कितना हुआ देखा, हाथ से धोआ, ये पूरी पाउडर निकलनी है अपने को, हाँ यार बहुत अच्छी है पानी में ना। टैंक हम सूखने देते और मैं तब तक क्या करता हूँ ना, हमारे सारे स्पॉन्ज फिल्टर ना साफ कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है, तो मैं आपको साफ सफाई करके मिलता हूँ। दोस्तों मैंने हमारे सारे सेटअप मतलब सारे टैंकों के जितने भी स्पॉन्ज फिल्टर थे सारे के सारे मैंने क्लीन कर दिए, और ये वाला जो टैंक है ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसका भी स्पॉन्ज फिल्टर मैंने क्लीन कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो ये वाली सैंड है ना, मैं इसकी मदद से ना इस वाले टैंक में ऐड कर देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे ना पानी भर देंगे और फ्लोरम छोड़ देंगे, ठीक है, और अभी सेकंड वाला काम बचता है भाई हमारा पोलर पैरेट का, सारा पानी निकल लेते हैं। पानी निकलने का यार, पानी तो मुझे ऐसा लग रहा है वही रहने देंगे, यहाँ पे सिर्फ है ना हम प्रॉपर सेटअप कर देंगे। क्या तेरा क्या मानना है? पानी निकाल लेते, निकल लेंगे, हाँ निकाल लेते। चल ठीक है, फिर पानी निकाल लेते पूरा और सारी अलगी ना क्लीन कर देते। चल ठीक है, तो मेरा प्लानिंग क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट वाली सैंड ना बची हुई है अभी मतलब आधी बाल्टी है भाई, ठीक है, तो मेरा प्लानिंग ऐसा हो रहा है कि हमारे दोनों वाले पोलर पैरेट के टैंक में थोड़ी थोड़ी ऐड कर देते। तुझे क्या लगता है? कर दे भाई, मुझे वही लग रहा है यार, अच्छा लगेगा ना, वो अच्छा लगेगा यार, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है डाल देते। तो यार हमारे जो व्हाइट सैंड है ना हम इन दोनों में ऐड कर देते। मैंने फिर से प्लानिंग चेंज किया और
यहाँ पे हम हमारे जो सैंड है ना व्हाइट कलर की यहाँ पे नहीं डाल रहे, क्योंकि अरे ना हमारे पोलर पैरेट्स जब आगे जाकर बेबीज देगी तो उनके बेबीज बहुत ज़्यादा गंदगी करेंगे यार, ठीक है। तो यार व्हाइट सैंड तो पता है यार आपको बहुत जल्दी ख़राब होगी, और हमारा फ्लोरॉन यहाँ पे सिंगल रहेगा तो भाई हम सारी सैंड ना हम इनको ही दे देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे फ्लोरॉन को ही सारी की सारी सैंड में दे देता हूँ, और हमारा फ्लोरॉन यहाँ पे अकेला रहेगा तो जो गंदगी तो वो भी कम करेगा, और पोलर पैरेट हम पूरा प्लेन रखेंगे जैसे हमारा पहला सेटअप था वैसे ही करेंगे, सिर्फ हम ये दो चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं। अक्से हमने यहाँ से ना दोनों पैर पकड़ लिए, और भाई है ना यहाँ पे ना एक दो बेबीज और बच्चे बच गए थे हमारे से, वो भी निकल रहे हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहा है ये ब्लैकी? भाई ब्लैकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, ब्लैकी ना काटने को दौड़ती है। सुनो भाई सेटअप बहुत जल्दी होने वाला है, एक दो दिन में तुम्हारा भी सेटअप हो जाएगा कम्प्लीट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा जो ये वाला टैंक था फ्लोरॉन का फुल भर चुका है भाई, देखो यार पानी से अभी ये भाई पूरा ब्लर हो चुका है वाटर, क्योंकि यार इसने ना अच्छा धोया नहीं यार सैंड, बहुत अच्छा धोया था यार अभी नहीं यार, ठीक है थोड़ी देर रहेगा वो, फिर वो जो वाइट वाली थोड़ी बैठती रहती ना नीचे बैठ जाएगी, कुछ नहीं वो ऐसे रहता है वो। और ये वाला भी इतना भर चुका है पोलर पैरेट का ब्रीडिंग पेयर का टैंक, और अभी ये भरेगा फिर हम हमारे फिश यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ हमारे सारे पिजन्स भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना यार बारिश हो रही थी बट बारिश अभी रुक गई है, और ये मौसम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। चल आओ 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 आ जाओ भाई, चलो आओ आओ। और दोस्तों मुझे ना काफ़ी सारे भाई कल कह रहे थे कि भाई आप है ना ये अच्छा लग रहा है आपके सेटअप में, आप यहाँ पे ना आपकी जो लिली है वो लिली यहाँ से निकल लो, वो तो निकलने वाली यार, ठीक है ना, आपको पता है हमारी लिली कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है। और यहाँ पे हमारे जो ये लकड़ी ना, इस लकड़ी को हम कलर देने वाले जो कि ब्राउन कलर वगैरह इसको हम देने वाले, ठीक है। मतलब वो और अच्छा लगेगा क्योंकि आपका ही सजेशन आया मुझे, ब्राउन कलर दे दो लकड़ी को। और दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण इसके दो पार्ट होने वाले हैं, जो कि 1-4 बजे दोपहर में अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 4 बजे नेक्स्ट पार्ट में।